वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैटिक डेटा को प्रोसेस करेंगे जीपीएस का, ठीक है। उसके लिए हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आपको मैं फर्स्ट टू लास्ट तक ये पूरा वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम जो अपना डेटा है उसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरा डीजीपीएस में डेटा पड़ा है, पूरा राइनिक्स फाइल भी पड़ा है, कन्वर्ट किया हुआ है ऑलरेडी मैंने, तो मेरे को राइनिक्स फाइल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइका इन्फिनिटी में जाके डेटा इंपोर्ट करवाएंगे। पहले उससे पहले हम लाइका इन्फिनिटी ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मेरा जो ऑलरेडी बनाया हुआ है यूटीएम जोन, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा यूटीएम जोन मेरा उस प्रोजेक्ट रिगार्डिंग। यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम दे दूँगा, डेटा स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा करके मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ क्रिएट कर दूंगा, जब क्रिएट हो जाएगा तो ऐसा एक व्यू दिखेगा आपको, तो उसके अंदर हम जाएंगे अभी इंपोर्ट के अंदर। अपना जो पाथ है, ऑलरेडी मेरा पाथ पहले से है इसलिए आपका नहीं है, तो यहाँ से अपना पाथ दे सकते हैं। मैं सारा डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ। ये अपना डेटा लोड हो गया और स्क्रीन पे दिख रहा है व्यू के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे इसके अंदर, इंस्पेक्टर के अंदर, उसके अंदर अपना रहेगा जीएनएसएस के अंदर। इस पे जाएंगे हम, हमारा जो है पहले वाला जो जीसीपी1 उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। प्रॉपर्टी में जाके अपने पास वैल्यू है तो नहीं है तो जो भी है, अभी मैं मेरे पास इसकी वैल्यू है नहीं है, वैल्यू होता तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता। यहाँ पे मैंने कंट्रोल कर दिया है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है तो मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा, यहाँ पे मैं मैन्युअली उस बेस का वैल्यू डाल दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। मेरे को अभी वही वैल्यू से प्रोसेस करना है, ऑलरेडी मेरा ये कंट्रोल हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस करेंगे और ये अपने दो रोवर बनाएंगे हम और प्रोसेस करेंगे। ओके, मेरा दोनों डेटा हो गया है, इसको मैं स्टोर कर लूँगा। इसका रिपोर्ट चाहिए तो आप बेसलाइन रिपोर्ट भी यहाँ से सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट,
इसके अंदर मैं वन करके डाल देता हूँ सेव। लेकिन ये कहाँ GPS 1 से GPS 2 का है, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे रिपोर्ट के अंदर। हमारा जो बेसलाइन है GPS 1 से GPS 2 का है, ठीक है। एक रिपोर्ट हो गया, ये दूसरा रिपोर्ट है, उसको भी हम बेसलाइन रिपोर्ट ले लेंगे। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको भी प्रिंट कर लेंगे और सेव कर देंगे। यानी अपने दो दो बेसलाइन जो प्रोसेस हुई है ये वाली है, उसका हमने डेटा सेव कर लिया है। उसके बाद हम दोबारा उसी में ही जाएंगे। अभी ये हमारा प्रोसेस हो गया है, तो हम इसको डी सिलेक्ट कर देंगे, क्लियर ऑल सिलेक्ट। उसके बाद अपना ये फिक्स पॉइंट है 2 नंबर, उसको हम रेफरेंस बनाएंगे और 3 को हम रोवर बनाएंगे, उसको भी हम सेम प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम स्टोर कर लेंगे, इसका भी बेसलाइन रिपोर्ट सेव कर लेंगे। इन्हें अपना ये बेसलाइन का रिपोर्ट सेव हो गया इसके अंदर। उसके बाद दोबारा फिर इसमें जाएंगे, इसमें डी सिलेक्ट ऑल कर देंगे, क्लियर सिलेक्ट ऑल। अभी हम व्यू में देखेंगे कि ये अपना जो पॉइंट है सेम पॉइंट ही है, यानी GPS 2, ये दोनों सेम पॉइंट ही है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सेम नाम ही दे देंगे उसको। तो हम उसमें जाएंगे प्रॉपर्टी में, इसको हम एडिट कर देंगे। ये ऑलरेडी GCP 2 है अपना, GCP 2 कर दिया, उस पर अप्लाई कर देंगे, वो भी फिक्स हो गया। ये भी GPS 3 है, तो उसको भी हम कर लेंगे ऐसे ही GPS 3 कर लेंगे इसको, और ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। यानी ये भी अपना एवरेज और फिक्स हो गया है। अभी अपना बचा है GCP 4, तो उसको क्या करेंगे हम, GCP 4 को प्रोसेस करना है। तो हम इसको बनाएंगे रेफरेंस, इसको भी बनाएंगे रेफरेंस, और GCP 4 को बनाएंगे रोवर, जो अपने व्यू में देख लेते हैं। ये दोनों को हमने रेफरेंस बनाया है और प्रोसेस करना है अपने को 4 को, तो ये अपना बेज लाइन 2 बनेगा। तो उसके लिए हम ऐसे सिलेक्ट कर लिया है और उसको प्रोसेस करेंगे, ओके। इसको भी स्टोर कर लेंगे, इसको भी स्टोर कर लेंगे, और इसका बेजलाइन रिपोर्ट सेव कर लेंगे। इसको भी सेव कर लेंगे, इसका भी हम बेसलाइन रिपोर्ट सेव कर लेंगे। तो आप जितनी बार प्रोसेस करेंगे उतनी बार उसका बेसलाइन का रिपोर्ट आप सेव कर सकते हैं, कि कौन से बेस से आपका ये पॉइंट आईडी पॉइंट प्रोसेस हुआ है। तो उसके टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब इसमें आ जाएगा, उसकी क्वालिटी वगैरह, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी डेटा प्रोसेस हो गया है, जितना मेरे पास अवेलेबल था वो मेरे पास 4 पॉइंट था, तो 4 पॉइंट मैंने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिए हैं। अब उसको मेरे को एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे को एक है, दूसरा कोई कंट्रोल पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं 4 को भी एक कंट्रोल बना दूँगा, तो क्या है कि ये 2 प्रोसेस हो जाएंगे। तो मैं जाऊँगा इंस्पेक्टर में, मेरे को 4 को भी कंट्रोल करना है प्रॉपर्टी में, यहाँ पे कंट्रोल सेम वैल्यू वही रहेगा, अप्लाई करके
कैंचन, यानी अपना फोर बी कंट्रोल। मेरे को दो कंट्रोल पॉइंट चाहिए क्योंकि मेरे पास चार पॉइंट है, तो दो पॉइंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए जिसे मैं उसको कंट्रोल करके एडजस्टमेंट कर सकूँ। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए हैं, उसके बाद अब मैं जाऊँगा इसमें एडजस्टमेंट में, ये टिक मार्क कर लूँगा मैं 2D और 3D में, यानी दोरा मेरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एडजस्टमेंट में मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊँगा, यहाँ पे ग्रीड है, मैं WGS84 रख दूँगा, ठीक है। मेरे दो जो कंट्रोल किए पॉइंट है, इसके इससे पूरा वो जो दो पॉइंट है यानी पूरा जितना भी लूप है, ज़्यादा पॉइंट होगा तो आपको तीन चार पॉइंट को कंट्रोल करना होगा और उसको फिर एडजस्ट करवाना होगा। तो मेरे ऑलरेडी दो पॉइंट ले लिए हैं, चार पॉइंट है, इसमें से दो मैंने कंट्रोल कर दिए। तो उसके बाद मैं जाऊंगा 3D, तो मेरा ये प्रोसेस हो गया है, इसको मैं लूप स्कूलर रिपोर्ट डाउनलोड कर लूँगा, मैं ये पूरा उसका रिपोर्ट आ जाएगा, इसको प्रिंट कर लूँगा मैं। सेव कर दूंगा मैं। उसके बाद प्री एनालिसिस रिपोर्ट यहां से उसको भी सेव कर लेंगे, प्रिंट उसको भी सेव कर लेंगे। नंबर ऑफ टोटल अपने 4 पॉइंट्स है, उसके बाद हम करेंगे रन फुल फुल एडजस्टमेंट, उसके बाद हम करेंगे नेटवर्क एडजस्टमेंट रिपोर्ट, इसको भी हम प्रिंट कर लेंगे, ये रिपोर्ट को भी हम सेव कर लेंगे। ये पूरा नेटवर्क एडजस्टमेंट का पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ समरी में दिख जाएगा, जो जो एडजस्टमेंट किया है वो सारा इसमें शो हो जाएगा। तो ये अपना डेटा प्रोसेस होके फाइनल रिपोर्ट्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये होम पे जाके, ये एडजस्टमेंट हो गया है तो यहाँ पे जाके हम पॉइंट कोड रिपोर्ट भी डाल ले सकते हैं। इसको भी कॉपी करके हम प्रिंट कर सकते हैं, दूसरा रिपोर्ट है पॉइंट क्वालिटी रिपोर्ट, ये अपना पॉइंट क्वालिटी रिपोर्ट है, ये इसको भी हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा पॉइंट हिस्ट्री रिपोर्ट, इसमें जो नेविगेटेड शो हो रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे तो ये वाला यहाँ शो नहीं होगा, उसके लिए हम चले जाएंगे पॉइंट फीचर में, पॉइंट में ये जो नेविगेटेड वैल्यू है उसको हम डिलीट कर देंगे तो वो शो नहीं होगा रिपोर्ट में, क्योंकि अपने को वो नहीं चाहिए, अभी ऑलरेडी डेटा प्रोसेस हो गया है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। अपने को जो रिक्वायरमेंट है वो पॉइंट रखेंगे, बाकी जो पॉइंट है यहाँ से नेविगेटेड हटा देंगे। तो क्या है कि अपने जो रिपोर्ट्स सारे जो सेव करेंगे उसमें वो नेविगेटेड रिपोर्ट शो नहीं होंगे। तो मैं यहाँ से नेविगेटेड वाला डिलीट कर दूंगा। ऑनली मेरे जो प्रोसेस हुए वही हैं पॉइंट। अभी
क्वालिटी रिपोर्ट में भी वो चीज़ नहीं आएगा। ऑलरेडी जो कंट्रोल जो फिक्स पॉइंट है, जो प्रोसेस हुए वही पॉइंट शो हो गए जो उसमें दिख रहे थे, अभी उसमें नहीं दिखेंगे। तो ये हम दोबारा सेव कर लेंगे। पॉइंट क्वालिटी रिपोर्ट को हम रिप्लेस कर लेंगे, पॉइंट कोड वाले को भी हम रिप्लेस कर लेंगे। उसके बाद है पॉइंट हिस्ट्री रिपोर्ट, जितने भी अपने सारे पॉइंट्स है वो सारा क्वालिटी में यहाँ शो हो जाएगा। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, आप देख सकते हैं। अब इसका हम कोऑर्डिनेट सिस्टम रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, हमने जो जो यूज़ किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो यहाँ शो हो जाएगा। कोई क्लाइंट मांगता है ऐसा तो हम ऐसे दे सकते हैं रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, अपने जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट चाहिए, GNSS इंटरनल रिपोर्ट चाहिए, सारे रिपोर्ट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट चाहिए, इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं और ये रिपोर्ट सारे क्लाइंट को हम सबमिट कर सकते हैं। ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।